हेलो हाय एंड वेलकम टू योर चैनल सम स्टडी। आज हम इस वीडियो में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत में कितने तरह के पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं और इन बैंकों के गठन, एमडी और सीईओ और इनके मुख्यालय और इनके मोटो के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला बात ये है कि भारत में चार तरह का बैंक होता है, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक चार तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक दो तरह के होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक। इन सभी को आपको याद रखना है। इस स्लाइड में दिए गए हर एक बैंक जो कि कमर्शियल बैंक के अंडर आता है, हम पब्लिक सेक्टर बैंक किसको कहते हैं, जिसका मेजर स्टॉक मेंटेन करता है गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर बैंक किनको हम कहते हैं, जिसका मेजर स्टॉक प्राइवेट इंडिविजुअल मेंटेन करता है, और रीजनल रूरल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रायोजक बैंक इसका जो स्टॉक खरीदता है, और फॉरेन बैंक जो कि जिस बैंक की हेडक्वार्टर हमारे कंट्री से बाहर है उनको हम फॉरेन बैंक कहते हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है। चलिए आते हैं सबसे पुराना पीएसबी बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। इसके गठन 1894 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में है, और इसके जो एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम एसएस मल्लिकार्जुन राव है, जिनको आप नीचे के इमेज में देख सकते हैं। और इसका मोटो द नेम यू कैन बैंक अपॉन, जिस नाम पर आप बैंक कर सकते हैं, इसका मोटो आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सेकेंड ओल्डेस्ट यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन यानी कि उसका गठन 1906 में हुआ था, और बैंक ऑफ इंडिया की जो मुख्यालय महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में स्थित है, और इसका चेयरमैन जी पद्मनाभन है, और इस बैंक के सीईओ और एमडी अतनु कुमार दास हैं, और इसका मोटो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग होता है। कनाडा बैंक की स्थापना 1906 में हुआ था, और कनाडा बैंक की जो मुख्यालय है कर्नाटका के मंगलोर में स्थित है। इस बैंक की चेयरमैन टीएन मनोहरन है, और एमडी और सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर है, और इस बैंक की रेवेन्यू 8 बिलियन डॉलर है, और इसका जो टैगलाइन टुगेदर वी कैन यानी कि एक साथ हम कर सकते हैं ये है, इसको आपको याद रखना है। इंडियन बैंक की गठन 1907 को हुआ था यानी कि कनाडा और बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के एक साल बाद, और इंडियन बैंक की जो मुख्यालय है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है, और इंडियन बैंक की एमडी और सीईओ का नाम मिसेस पद्मा जाचुंदरू हैं, और 1 अप्रैल 2020 को अलाहाबाद बैंक ने इंडियन बैंक से मर्ज किया था, और इंडियन बैंक का टैगलाइन है योर ओन बैंक यानी कि आपका अपना बैंक। इंडियन बैंक की फॉर्मेशन के एक साल बाद यानी कि 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा का निर्माण हुआ था, और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो मुख्यालय है गुजरात के वडोदरा में स्थित है। इसके चेयरमैन हसमुख अदिया हैं फर्स्ट इमेज पर, और इसके एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा हैं सेकेंड इमेज पर, और इसका जो टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक यानी कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना 1908 को हुआ है। इसका मुख्यालय भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में स्थित है। इस बैंक के चेयरमैन चरण सिंह है, और इस बैंक के एमडी और सीईओ एस कृष्णन है। इस बैंक की टैगलाइन जो कि वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ यानी कि जहां सेवा जीवन का एक तरीका है, इसका टैगलाइन है। भारत में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक 12 हैं, जिसमें से 6 हम इस वीडियो के पार्ट 1 पर कवर कर दिए हैं। बहुत जल्द हम इसके पार्ट 2 यानी कि और 6
पब्लिक सेक्टर बैंक को कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा इसलिए आपको थैंक यू।